Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम कवर करते हैं द हिंदू और अपार्ट फ्रॉम द हिंदू जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, उन सभी से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उन सभी को कवर करते हैं, ताकि आप देश में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर करंट अफेयर के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स है जो कि स्कोर कर सके, साथ में आपके जो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको भी इंप्रूव कर सके और साथ में आपके जीके जो है वो भी इंप्रूव हो सके. तो उसी का ध्यान रखते हुए ये सेशन जो आपके लिए डिज़ाइन क्या गया है, उम्मीद करता हूं आप इसे शेयर जरूर करते होंगे ताकि सभी बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके और औरों को भी पढ़ा सके. तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन के साथ में जो कि मैंने कल आपको दिए थे, उसके बाद देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्या दिया था. कल का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी पालन विकास समिति के प्रमुख हैं? हु अमंग द फॉलोइंग हेड द बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी? तो इसके हेड कौन बनाए गए थे? विवेक देबरा जी को बनाया गया था, तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति की फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, यानी कि सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यू डायरेक्टर ऑफ आईबी, तो किसको किया गया है? अरविंद कुमार को. ये आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा. रिसेंटली स्वामी सत्यमित्रा नंद गिरी महाराज का निर्धन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट के प्रमुख थे? तो स्वामी गिरी महाराज पास द वे, ही वॉज द हेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट, और वो थे भारत माता जनहित ट्रस्ट. तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल था आपका, अमिताभ कांत को एक्सटेंशन मिला है कितने साल का? 2 साल का, एज ए CEO किसके? नीति आयोग के. मलोरका ओपन टाइटल जो है वो किसने जीता है दोस्तों? सोफिया कैनिन है जिन्होंने मलोरका ओपन टाइटल टूर्नामेंट को जीता है. फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल ने अपने इक्विटी 76 मिलियन अमेरिकन डॉलर में किसको बेचे थे? वॉलमार्ट को बेचे थे. आगे बात करते हैं, विश्व बैंक ने उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन परियोजना के लिए कितने मिलियन का, 31.58 मिलियन डॉलर का ऋण है जो कि दिया था. वर्ल्ड बैंक ने जो है उत्तराखंड को दे रहा है ताकि वहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सके. स्मॉल माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे जो है वो 27 जून को मनाया जाता है. फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रेड इंक अवार्ड से दोस्तों रचना कायरा को सम्मानित किया गया है, तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. आप देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे क्या है दोस्तों. सिंपल सी बात है, जीवन में ये तीन चीजें जो है वो आपको हमेशा करनी होती है अगर आपको लाइफ में खुश रहना है. तो सबसे पहले चॉइस करो आपको जीवन में करना क्या है, कौन सी जॉब है जो कि आपको चाहिए, कौन सा एग्जाम है या फिर लाइफ के अंदर क्या आपको करना है, सबसे पहले चॉइस होती है. ठीक है, अगर आप चॉइस नहीं करोगे तो फिर किस्मत जो है वो आपको चॉइस करेगी कुछ भी काम करने के लिए. तो कुछ भी काम करने से बढ़िया है कि पहले चॉइस करो आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको चांस लेना पड़ता है. सिंपल सी बात है, चांस के बिना कुछ नहीं है और कई बार जो है बदलाव करने पड़ते हैं, चेंज भी करना पड़ता है. अगर आपके जो तौर तरीके हैं वो अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो आपको चीजें बदल के जो है ट्राई करनी चाहिए और उसके बाद में आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे. यू मस्ट मेक ए चॉइस टू टेक ए चांस और योर लाइफ विल नेवर चेंज. तो सिंपल सी बात है, या तो आप चॉइस कर लो और चांस ले लो, अदरवाइज लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी. सिंपल सी बात है, अक्सर लोग जो है वो रोते हुए मिलते हैं कि यार लाइफ में ऐसा हो रहा है, लाइफ में वैसा हो रहा है, लाइफ में ये हो रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा है ये सब? क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहे हैं.
ठीक है, अगर कभी भी चेंज करना है तो आपको एक बार चांस तो लेना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अदरवाइज ये रोना धोना हमेशा चलता रहेगा, या तो चेंज कर लो या फिर रोना धोना बंद कर दो, सिंपल सा फिनोमिना है। लेकिन अक्सर जो है लोग मिडिल पाथ के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना तो वो इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो कि देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो कि आप भी यही करेंगे लाइफ में। मेजर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कोई भी जॉब मिल जाए, मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप चाहते हैं कि वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे मालूम है दोस्तों 80% बच्चे यहाँ पे यही बोलेंगे कि सर एक बार जो है हमें कोई सी भी तरीके की जॉब मिल जाए, बस एक बार स्टार्ट हो जाए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप आज जिस जॉब की तमन्ना कर रहे हैं, कोई सी भी जॉब की तमन्ना कर रहे हैं, आज से कुछ साल बाद में आपको लगेगा कि ये आपने क्या कर लिया, क्योंकि जो आप करना चाहते थे आपने वो नहीं किया है। जॉब की आदत लग चुकी होगी, सैलरी जो है वो आपके पास आ रही होगी, वो आपकी यूज्ड टू हो चुके होंगे, और जो है काम में मन लगना जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि जो आप सच में करना चाहते हैं, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस जो नौकरी में आपका इंटरेस्ट है, कई लोगों का जो है वो बैंकिंग में होता है, कई लोगों का SSC की जॉब में इंटरेस्ट होता है, कई लोगों का UPSC, किसी का रेलवेज में भी होता है क्योंकि रेलवे बहुत अच्छी सर्विसेज देती है। तो आप अपनी चॉइस जो है उसके ऊपर काम करिए, और आने वाले दिनों के अंदर आपको काफी जबरदस्त रिजल्ट है जो कि देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आज का दैनिक का फ्रंट पेज जो है वो देखते हैं आज क्या है। आज अगर दैनिक के फ्रंट पेज की बात करूं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ज्यादा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं काफी चीजें जो कि है। एक तो प्रेसिडेंट रूल को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भाई? आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल किससे लगता है? पहले तो क्या लगता है जम्मू एंड कश्मीर में? गवर्नर रूल लगता है, और उसके बाद में क्या लगता है वहां पे 6 महीने के होने के बाद? प्रेसिडेंट रूल। तो पहले भी लगा हुआ था, काफी टाइम से लगा हुआ है, और अभी वापस से 6 महीने का एक्सटेंशन जो है उसको कर दिया गया है। आर्टिकल 356 यूज करते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट इमरजेंसी होती है आर्टिकल 356, 352 जो होती है वो होती है नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 जो होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 356 के बारे में बोला गया था। अंबेडकर जी ने बोला था कि यार ये आर्टिकल 356 जो है वो भारत में कभी काम में नहीं आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि बहुतेरी बार काम में आया, बहुत बार काम में लिया गया है। मतलब अंबेडकर जी ने बोला था कि यार ये डेडलॉक रहे, मतलब इसका कोई भी कभी भी जरूरत ना पड़े, लेकिन जैसे ही अंबेडकर जी गए इसको जो धराधर काम में लिया गया। नियर बाय 125 से भी ज़्यादा के टाइम जो है आज के टाइम पे जो है वो आर्टिकल 356 को काम में लिया जा चुका है, मतलब ठीक है, बहुत सारे राज्यों के अंदर स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि है यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, प्रॉमिस किया है कि एक वो बहुत बड़ी ट्रेड डील है जो कि भारत के साथ में करेंगे। अभी तो आपको मालूम है कल G20 में जाने से पहले तो वो ट्विटर पे जो है ट्वीट करके चले गए थे कि भारत ने फेयर नहीं कर रहा है ये वो, और अभी वहां पहुंचते ही पता नहीं इनका बड़े खुश मिजाज नजर आए G20 की मीटिंग के अंदर। काफी लोगों से मुलाकात करी, मोदी जी से भी करी, और बोला कि बड़ी ट्रेड डीलें जो करेंगे, टेररिज्म को काउंटर अटैक करेंगे, ऐसे कई सारी चीजें जो कि यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट कट इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग स्कीम। तो कुछ सेविंग स्कीम है जिसके इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम कर दिए गए, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात करी गई वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर करी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है वो पर मंथ स्पेंड कर रहा है। एक म्यूजियम बनाया गया था एक अपना शिप के ऊपर, एक सबमरीन के ऊपर, ठीक है, एक आईएनएस था उसके ऊपर एक म्यूजियम बनाने को बात करी गई थी, तो ना तो वो काम हो पाया, और उसका जो खर्चा है वो भी उठाना पड़ रहा है किसको? तमिलनाडु सरकार को। तो उस चीज को लेकर न्यूज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर है द हिंदू के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके की इमेज आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज आई है। मोदी जी जो है एक तो हाथ जो है वो पुतिन जी का उन्होंने जबरदस्ती पकड़ रखा है, और एक हाथ जो है वो जो जिनपिंग है उसका एक हाथ है जो कि जबरदस्ती पकड़ रखा है। मतलब दोनों अगर आप साइड में देखोगे तो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं है, और मोदी जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं दोनों के हाथ को पकड़ के। ओके, तो इस तरीके का एक इमेज जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, काफी मस्त लगा। मतलब तो आपको मालूम है मोदी जी जो काफी वार्म वेलकम करते हैं, मतलब हमेशा किसी से मिलते हैं तो गले मिलना, हाथ पकड़ के रखना, तो ऐसे थोड़े वार्म वेलकमिंग है जो कि उनका नेचर है, तो उस चीज को लेकर। लेकिन फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं होता है ना, तो बाकी लीडर्स ऐसा नहीं करते। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, और चलिए कुछ बच्चे लेट आते हैं क्लास के अंदर, लेट बताया करो। गोविंद है जो कि लेट आ रहा है क्लास के अंदर, लेट बताया करो, 8 बजे का अलार्म लगा लिया करो यार, अलार्म लगा के आ जाया करो यार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो दिल्ली को लेकर है दोस्तों। यहाँ पे एक पाइपलाइन की स्कीम है ये वाली, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में दोस्तों क्या हो रहा है कि डीजेबी क्या है, दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है दोस्तों, उसने अनाउंस किया है कि अपने सिटीजन के लिए
जितने भी नई दिल्ली में लोग रहते हैं, कंटोनमेंट में रहते हैं, सिविल लाइंस वाले एरिया में जहाँ पर भी लोग रहते हैं, कि वो लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, कि जो उनको पानी सप्लाई हो रहा है ना, वो पानी कैसा सप्लाई हो रहा है, तो उसको क्वालिटी ऑफ वाटर को वो क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो कई जगह पे जो है ना, ठीक है, कई जगह पे जो है इसको लगाया जा रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑनलाइन कोई भी ट्रेस कर सकता है आम आदमी नागरिक कि उसको कैसा पानी मिल रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा दिल्ली जल बोर्ड, और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है LIMS, तो लेबोरेटरी इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लगाया जाएगा, और इसके द्वारा कोई भी नागरिक जो है वो पता कर सकता है कि कैसा पानी की क्वालिटी है जो कि उसको मिल रही है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है, 10 करोड़ रुपए का प्लांट है, और ठीक है, जो कि यहाँ पे लगाया जाएगा, और इसका जो खर्चा वर्चा है वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली पानी को ट्रेस करने को लेकर एक ठीक है सॉफ्टवेयर जो कि लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली है जो कि करने वाला है, किया नहीं है, करने वाला है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे बात करें तो एक GM क्रॉप को लेकर मुद्दा है। यार देखो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप कई बार पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन जो बच्चे नए आए उनके लिए वापस से बताऊंगा GM क्रॉप होता क्या है। तो एक्चुअली देखिए, हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है ना GM क्रॉप को काम में लेते हैं। GM क्रॉप से क्या होता है कि हम कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इंसर्ट करते हैं मॉडिफाइड, और इसके DNA के अंदर बदलाव करते हैं, किसी भी प्लांट के DNA के अंदर क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज को इंसर्ट करते हैं जो कि क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को मार देता है, जो कि क्या कर देता है, जो किसी भी फ्रूट को या फिर किसी भी चीज को खराब करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो उनको स्लीपी प्रोड्यूस करता है, और वो स्लीपी प्रोड्यूस, जब वो स्लीपी हो जाते हैं वो बैक्टीरिया जो कि नुकसान पहुंचाता है उस प्लांट को, तो वो क्या होता है कि जहाँ पे 10 दिन के अंदर कोई सब्जी खराब हो रही है वो 2 महीने के अंदर खराब होगी। इंसान की बॉडी में नुकसान नहीं होता है क्योंकि ठीक है एसिडिटी लेवल डिफरेंट होता है दोनों का। तो ये क्या करता है कि प्रोडक्शन जो है एक तो वो भी बढ़ा देता है, दूसरा रेसिस्टेंट बना देता है, रेसिस्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ा देता है GM क्रॉप्स के होने से, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे जो है हरियाणा के अंदर जो फार्मर है ना, उन्होंने बोल दिया है कि हम तो क्या करेंगे कि GM क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, आप चाहे गवर्नमेंट बैन करो चाहे नहीं करो। तो फार्मर कई सारे जिन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं GM क्रॉप को, वैरायटीज को क्रॉप की, तो उन्होंने बोला है कि भाई गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कल्टीवेशन ऑफ GM क्रॉप, तो वो चेंज करें इसको, और अगर उन्होंने बैन लगा भी रखा है तो भैया हम तो करेंगे। तो आपको मालूम है भारत के अंदर अपने ऐसे होता है, ठीक है, जिसको जो करना है वो करते हैं, चाहे गवर्नमेंट ने बैन किया हो चाहे नहीं किया हो। ओके, तो कई सारे ऐसे हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन है जो कि हरियाणा के अंदर प्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा मुद्दा है यार, ये GM क्रॉप का क्या है, एक्चुअली 15 साल से चाइना और कई सारे देश है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत के अंदर आपको मालूम है कि काफ़ी कोशिश करी गई लेकिन अभी इसको वैलिडेट नहीं किया गया था। इनफैक्ट कई सालों पहले भारत आए थे नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपको पता ही है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं उनको, नॉर्मन को। तो जब वो भारत आए थे तब उन्होंने भी ये बात बोली थी कि चलो ठीक है मानता हूँ, अगर पहली बात तो कह रहा अभी इसके एविडेंसेस मिले नहीं है कि GM क्रॉप क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, और अगर नुकसान करते भी है तो भुखमरी से ज़्यादा मरने से बेटर है कि आप GM क्रॉप खा के मरो, ये उनका कहना था। क्योंकि GM क्रॉप से क्या होता है, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, खराब नहीं होती है चीज़ें, लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो दुनिया में आपको मालूम ही है कि हंगर बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है, और अगर इस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए GM क्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है जीन, ठीक है, किसके अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, और जो भी प्रॉपर्टी अपने को चाहिए होती है वो प्रॉपर्टी अपन उससे ले लेते हैं। जैसे कि अपने को मान लीजिए लॉन्ग टाइम तक चलाना है उसको, या ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, इस तरीके से। गवर्नमेंट ने अभी तक कमर्शियल कल्टीवेशन का इसका इजाज़त है वो बिल्कुल नहीं दी है, ठीक है। अभी भारत के अंदर ही आज तक इतिहास में क्या हुआ है ये मैं पूरा आपको बता देता हूँ, भारत में क्या मुद्दा है। 2002 के अंदर क्या होता है, BT कॉटन जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। 2006 में PIA लगाई गई GM क्रॉप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2010 में क्या हुआ, जयराम रमेश जो कि उस टाइम पे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि भाई BT ब्रिंजल जो है ना उसके ऊपर हम आगे काम नहीं करेंगे जब तक साइंटिस्ट और सभी लोग एक मत नहीं हो जाएंगे। 2012 के अंदर पार्लियामेंट कमेटी बनती है एग्रीकल्चर पे जो बोलती है कि हम देश के अंदर जितने भी ट्रायल है ना GM के उन सबको बैन कर रहे हैं। 2013 के अंदर क्या होता है, नए क्रॉप के ट्रायल जो है वो स्टार्ट करे गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दी एक कमेटी जो कि बताएगी कि भाई आने वाले 10 सालों के अंदर जो है किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या नुकसान फायदे वो सब है। उसके बाद में 2013 के अंदर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे नटराजन, उन्होंने भी वापस से होल्ड पर रख दिया सारे ट्रायल। 2014 के अंदर वीरप्पा मोइली जो थे उन्होंने क्लियर किया ट्रायल को,
और बोला कि भाई ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं मनमोहन सिंह और जो मोहली जी है इन दोनों की सोच अलग थी जीएम क्रॉप को लेकर, तो मोहली जी ने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई आप इस ट्रायल को चालू करो। वापस 2014 के अंदर क्या होता है, यूपीए गवर्नमेंट जो होती है वो 11 क्रॉप को क्या करती है, ट्रायल को अप्रूवल दे देती है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, कि भाई आप इनकी ट्रायल कर सकते हैं, आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। 2014 के अंदर 21 नई वैरायटी जीएम क्रॉप की वो भी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, उनको ट्रायल के लिए अप्रूव कर दिया जाता है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर कई सारे बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टर्स थे जिन्होंने क्या किया, इसके ऊपर काम किया, और कई सारे प्रपोजल रिजेक्ट भी और कई सारे अप्रूव भी हुए। और 2016 के अंदर क्या हुआ, ग्रीन सिग्नल जो है वो इस कमिटी के द्वारा जो है ना वो दे दिया गया था जीएम मस्टर्ड को, और बाकी जो है, लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर क्या लग गया, स्टे लग गया और बोला गया जब तक हम पब्लिक ओपिनियन नहीं लेंगे इसके ऊपर तब तक हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे। तो अभी नियर बाय 20 जीएम क्रॉप है जो कि पेंडिंग में चल रहे हैं, अंडरगोइंग ट्रायल के अंदर चल रहे हैं हमारे देश में। तो अभी तक कुछ भी एक प्रॉपर जो है ना स्टैंड करना है कि भाई नहीं करना है, वो हमारे देश को अभी तक समझ में नहीं आया, जबकि चाइना ब्राजील जो है वो 15 साल पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में देखते हैं और क्या हो सकता है इसके ऊपर। चलिए एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है इस पेज के ऊपर, इस सेम पेज के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जीएम क्रॉप वाला पूरा मुद्दा, ठीक है। यहाँ पे शी टीम को लेकर इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ यार सभी बच्चों को जीएम क्रॉप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो यस करो, नहीं आया तो नो करो। जीएम क्रॉप समझ में आ गया ना, हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको 2002 से लेकर 2016 तक जो है वो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये देखो यहाँ पे सैनी जी है, अश सैनी, पूरी रामायण निकल गई, अब ये पूछ रहे हैं, ठीक है, युधिष्ठिर कौन था, और युधिष्ठिर था क्या रामायण के अंदर, ठीक है, मतलब इन्होंने पूरे आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सवाल पूछ लिया है रामायण के अंदर, मतलब जीएम क्रॉप होता क्या है, उन्होंने इस तरीके से सवाल पूछ लिया, जबकि मैं पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे कर चुका हूँ यार कि जीएम क्रॉप क्या होता है, कैसे बनता है, क्या नुकसान फायदे, सब कुछ मैं आपको बता दिया। जीएम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं बच्चे, तो मतलब वही वाली बात हो गई, रामायण के अंदर युधिष्ठिर के सवाल आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स, लिटिल लिटिल आ गया कुछ को, ठीक है। चलो तो जिन बच्चों को नहीं आया समझ में वापस से देख लेना एक बार वीडियो, ठीक है, चलिए वापस से करते रहेंगे बात, ये सारी चीज़ें जो है वो अखबार में डिस्कस होती रहती है, तो वापस से जब अभी कभी डिस्कशन होगा तो वापस से मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चीज़ें रिवाइज होती है, पिछले एक साल के अंदर 5 बार तो मैं बता ही चुका हूँ इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं शी टीम को लेकर। अब ये पेपर में पूछेंगे कि बताइए शी टीम स्कीम जो है महिलाओं की रक्षा के लिए कौन से राज्य के द्वारा बनाई गई, तो उड़ीसा जो है रिसेंटली इसके ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया है ताकि फीमेल को सेफ्टी मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, हर जगह पे, चाहे वो रोड हो चाहे वो वर्क प्लेस हो, सब जगह के ऊपर। तो इससे पहले तमिलनाडु ने भी इस तरीके का काम है जो कि टीम बनाई थी, और उसके बाद में जो है इन्हीं के इनिशिएटिव के ऊपर उड़ीसा ने भी काम किया है। शी का मतलब यहाँ पे क्या रखा गया है, फुल फॉर्म क्या है, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ठीक है। और इससे पहले हैदराबाद के अंदर क्या था, तमिलनाडु में नहीं किया था, हैदराबाद के अंदर क्या था, हैदराबाद के अंदर एक टीम बनाई गई थी शी टीम, तो उसी की तर्ज पे जो है यहाँ पर भी बनाई गई है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि हमारे पेज नंबर 13, ये देखिए इसके बारे में बात कर रहा था मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुतिन जी और जिनपिंग जी का दोनों का हाथ पकड़ के मोदी जी जो है अपने बढ़िया स्माइल कर रहे हैं, ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटो है जो कि मुझे लगी थी यार सुबह सुबह। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे एक बुक के बारे में जो कि हमारे फॉर्मर नेवी चीफ है उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अभी देखिए किसके द्वारा, सुशील कुमार के द्वारा, सुशील कुमार के द्वारा जो है किताब लिखी गई जो कि कारगिल के ऊपर लिखी गई है। क्या नाम है किताब का, किताब का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ठीक है, मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। तो यहाँ पे सुशील कुमार जी के द्वारा लिखी गई इस किताब पे, और 1999 के अंदर जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो उसके बारे में बताया गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने काफी जबरदस्त डिसीजन जो कि उस टाइम पे उन्होंने लिए थे। तो फॉर्मर नेवी चीफ थे अपने सुशील कुमार, पहले एडमिरल थे नेवी, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया क्योंकि 20 साल हो चुके हैं इसको, और उन्होंने बताया कि भारत, उन्होंने ऑर्डर दिए थे भारतीय आर्मी को कि भाई आपको क्या करना है, एलओसी पार नहीं करनी है,
और पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से देश से क्या करना है, निकाल देना है, लेकिन LOC पार नहीं करनी है। यानी कि हमने हमारा फर्ज जो है वो पूरी तरीके से निभाया और जो है उनको वहां से बाहर भी निकाला। तो बताया गया कि यार 23 पार्टनर के साथ में कोलिशन गवर्नमेंट है जो कि वाजपेयी जी ने बनाई थी उस टाइम पे, तो इतने सारे गठबंधन के साथ में इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने इसी चीज की तारीफ है जो कि यहाँ पे करी है, ठीक है, ओके। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें पेज नंबर 14 की। तो यहाँ पे जो बात करी गई है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना की मिसाइल के बारे में बात करें। न्यू बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है JL-3, वो चाइना के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी गई, ठीक है, सबमरीन के द्वारा इसको लॉन्च करा गया बैलिस्टिक मिसाइल को JL-3। ध्यान रखिएगा JL-3 पाकिस्तान की नहीं है और ये किसकी, चाइना की है, ठीक है ना। तो पेपर में इसके बारे में पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इनके द्वारा लॉन्च करी गई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि है हमने पृथ्वी 2 जो है ना इसका सफल ट्रायल है जो कि किया है, हमने खुद ने बनाई है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और इसकी रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर की इसकी स्ट्राइक रेंज है, ठीक है, चांदीपुर के अंदर हमने इसको टेस्ट फायर किया है और 500 से 1000 किलो का जो वॉरहेड है वो भी लेके जाएगा और सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये बात भी ध्यान रखनी है, तो आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, इसरो ने फॉर्म किया है न्यू PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि बनाई है। जैसे कि आपने एंथ्रेक्स का नाम सुना होगा, एंथ्रेक्स एक पहले जो है एक प्राइवेट आर्म हुआ करती थी। जैसे कि अगर मान लो चाइना को जो है, मान लो रशिया को या अमेरिका को, फ्रांस को, किसी को भी अपनी सैटेलाइट इसरो के द्वारा भेजनी है, आपको मालूम है इसरो जो है अपना जो PSLV रॉकेट है ना दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे एक्यूरेट छोटी सैटेलाइट को भेजने के लिए PSLV माना जाता है। तो चाहे अमेरिका हो चाहे कितना भी बड़ा देश हो, PSLV की मदद लेता है छोटी सैटेलाइट को भेजने के लिए। तो क्या होता है कि उनको पहले एंथ्रेक्स से कम्युनिकेट करना पड़ता है, एंथ्रेक्स बताता है कि भाई हम 100 करोड़ रुपए लेंगे, 50 लेंगे, 200 लेंगे, फिर एंथ्रेक्स जो क्या करता है उसको इसरो के द्वारा इंप्लीमेंट करवाता है। तो ये प्राइवेट कमर्शियल आर्म है जो कि बिजनेस प्रोवाइड करती है। वैसे एक नया PSU एक और बनाया गया है ताकि कमर्शियली हम एक्सप्लोर कर सके टेक्नोलॉजी को, लॉन्च कर सके सैटेलाइट, तो इसका नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। याद ये बात ध्यान रखिएगा क्या नाम रखा गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि इसका नाम रखा गया है, समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए यहां पे नीचे लिखा हुआ है एंथ्रेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक अनादर PSU है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो की। चलिए सिंधु फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे जो कि लेह के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, सिंधु फेस्टिवल। तो इंडस रिवर को लेकर यहाँ पे आपको मालूम है इंडस रिवर वहीं पे ही है, तो सिंधु जो है उसी का नाम है, तो फेस्टिवल जो है वो लेह के अंदर इंडस रिवर के बैंक के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया गया। इनॉग्रेट किसको, किसने किया, जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। हर साल इसको मनाया जाता है और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी इस टाइम पे यहाँ पे आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया ने साइन किया है $400 मिलियन का लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ में ताकि TB को हमारे देश से हटा सके। TB एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में, कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है यार, नियर बाय 5 लाख, ठीक है, 5 लाख मौत है जो कि हर साल हमारे देश के अंदर सिर्फ TB की वजह से होती है, ओके, एक बहुत बड़ी बात है यार, 5 लाख लोगों का मरना जस्ट बिकॉज एक डिजीज की वजह से, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट के 2025 तक इसको एलिमिनेट करने के लिए इस यहाँ पे $400 मिलियन का जो लोन है वो दिया गया है। TB आपको मालूम ही है क्या होता है, सीरियस इन्फेक्शस डिजीज होता है जो कि आपके लंग को इफेक्ट करता है, ठीक है, एक से दूसरे आदमी के अंदर भी चला जाता है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे प्रशांत कुमार सेकिया जी ने अरुणाचल प्रदेश में लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट का कोई पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकायुक्त कौन बनाया गया अरुणाचल प्रदेश के, प्रशांत कुमार को बनाया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओथ किसने दिलाई है दोस्तों, गवर्नर है जो कि ओथ दिलाते हैं, कौन है, BD मिश्रा जी है जो कि वहां पे गवर्नर है, ठीक है, ये बात भी आपको वहां पे ध्यान रखनी है। और CM भी बता दो भाई, अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, जल्दी से बता दो, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी, बिल्कुल सही जवाब है, पेमा खांडू जी जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, और राज्य की पॉपुलेशन कोई होगी 10-12 लाख के आसपास, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। कब बना था इस्टेब्लिश अरुणाचल प्रदेश, 1987 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट है जो कि हुआ था, ईटानगर राजधानी है, सबसे बड़ी सिटी भी वही है, और BD मिश्रा मैंने आपको बताई दिया है। राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है और लोकसभा की कितनी, 2 सीटें हैं मात्र अरुणाचल प्रदेश में। गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ईटानगर की एक बेंच है जो कि वहाँ पे बनी हुई है।
चलिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है, जो कि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एक वर्किंग ग्रुप ताकि रिवाइज कर सके करंट सीरीज किसकी, WPI की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप ताकि रिविजन कर सके जो हमारी करंट सीरीज है होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो रमेश चंद है जो नीति आयोग के मेंबर है, जो कि इसके चेयरपर्सन है इस कमेटी के। तो आप तो इतनी बात ध्यान रखिए कि WPI की जो कमेटी बन रही है उसके चेयरमैन कौन है, रमेश चंद, समझ गए? इतनी बात ध्यान रखिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करंट सीरीज जो WPI की चल रही है ना, वो 2011-12 चल रही है, उसको हम बेस ईयर मानते हैं। 11-12 को हम क्या मानते हैं? बेस ईयर मानते हैं WPI के। ओके, ठीक है, तो एक्चुअली में WPI जिनको समझ में नहीं आता ये होता क्या है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कई सारे गुड्स हैं, ठीक है, तो ये कई सारे सामानों का होलसेल प्राइस क्या है, एक एवरेज होलसेल प्राइस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? WPI कहते हैं। होलसेल नाम से आप पता कर सकते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि कई सारे गुड्स, अगर आप कई सारे सामान एक बास्केट में रखोगे और उसके होलसेल प्राइस निकालोगे किसके कंपेयर में, 2011 और 12 के कंपेयर में देखोगे कि भाई बड़ी है घटी है, कितनी परसेंट बड़ी है, तो इसके लिए हम एक बेस ईयर लेते हैं। तो 2011-12 बेस ईयर है जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सके, कंपेयर करके आज की जो हमारे WPI की जो वैल्यू है उसके बारे में पता कर सके। ठीक है, फिलीपींस और कई सारे देश ऐसे हैं जो कि WPI को अपना इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए सेंट्रल मेजर मानते हैं, और भारत के अंदर क्या है, न्यू इंडिया ने अडॉप्ट किया है न्यू CPI मेजर, न्यू CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम क्या करते हैं कि CPI के ऊपर ज्यादा मैटर करते हैं, कंज्यूमर के पास में जो ये गुड्स है ना, ये किस रेट पे पहुंच रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है, होलसेल से कंज्यूमर के पास में कितना पहुंच रहा है। तो इससे हम क्या पता करते हैं, मुद्रा स्फीति के बारे में पता करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में पता करते हैं कि मार्केट में महंगाई है या फिर महंगाई नहीं है, समझ गए मेरी बात? तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, समझ गए सबको, WPI समझ में आ गया क्या दोस्तों? होलसेल मार्केट में क्या प्राइसेस है किसी भी सामान का, उसको हम WPI बोलेंगे। कंज्यूमर के पास में, उपभोक्ता के पास में वो कितने रुपए में चीज पहुंच रही है, उसको अपन CPI कहेंगे। सिंपल सी बात है, इससे सिंपल आपको और क्या एक लैंग्वेज में अपन समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये छोटे छोटे से इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, विराट कोहली 20,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन है जो कि बन चुके हैं। तो आपको मालूम है यार, कोहली की जो स्पीड है वो उसेन बोल्ट की स्पीड है रन बनाने की। तो मात्र 417 इनिंग के अंदर कोहली ने 20,000 रन है जो कि कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लारा, तेंदुलकर, द्रविड सबसे ज्यादा जल्दी जो है उन्होंने बनाए हैं। दुनिया में 12वें बैट्समैन है और तीसरे भारतीय बैट्समैन है जिन्होंने 20,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे करें आफ्टर द तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर मोहम्मद बाजी जो है उनका भी निधन है जो कि रिसेंटली हो चुका है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर इनकी डेथ हुई है, और बहुत काफ़ी क्लोज एसोसिएट थे जो हमारे ट्राइबल सिविल राइट एक्टिविस्ट थे लक्ष्मण नायक, उनके काफ़ी क्लोज रह चुके थे। और ठीक है, अपने नेशनल मूवमेंट के अंदर इन्होंने काफ़ी काम है जो कि किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी इन्होंने 1942 के अंदर ज्वाइन किया था। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एक देश की, वो हम अर्जेंटीना के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा था USA, फिर हमने देखा चिली, आज हम अर्जेंटीना के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं, ब्यूनस एयरेस आपको मालूम है ये इसकी राजधानी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, और पीसो यहाँ की करेंसी है, मैक्री यहाँ के प्रेसिडेंट है, नेशनल बर्ड यहाँ पे हॉर्नेरो है, फ्लावर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइबो फ्लावर है, बाउंड्रीज ब्राजील, चिली, पराग्वे, यूरोग्वे, ये सब इसकी बाउंड्रीज है। इसके अलावा बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर आफ्टर ब्राजील, और दुनिया में 8वां सबसे बड़ा है। वेस्टर्न साइड पे इसके एंडीज माउंटेन है, ठीक है, और चिली के बॉर्डर पे काफ़ी फर्टाइल ग्रासलैंड है यहाँ पे, वैसे जिसको हम पैम्पस बोलते हैं, याद है ना, ग्रासलैंड पढ़ाए भी थे कुछ टाइम पहले मैंने रेलवे क्लास में। तो पैम्पस जो है वो इसके ग्रासलैंड को कहते हैं जो कि इसके बीच में है बिल्कुल। यहाँ पे इगाजू फॉल भी है जो कि यहाँ पे बॉर्डर पे है अर्जेंटीना ब्राज़ील पे, और चार रीजन के अंदर डिवाइड कर रखा है इसको, एंडेस हो गया, पैम्पस हो गया, नॉर्थ हो गया, पेंटागोनिया हो गया, इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ओके, और मिलिट्री ने 1976 में इसको कंट्रोल कर लिया था, जिसको हम डर्टी वॉर भी कहते हैं,
और नियरली 50% जो पॉपुलेशन है ना वो एक कैपिटल के आसपास में रहती है। काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है इसको, जो यहाँ के कैपिटल है। फुटबॉल यहाँ पे काफ़ी फेवरेट है। अर्जेंटीना आपको मालूम है बहुत ही फेवरेट टीम रह चुकी है, मेसी, मैराडोना और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि यहाँ पे रहे हैं। तो ये देखिए, ये पैंपस वाला एरिया है, ओके। तो काफ़ी ग्रासलैंड है जो कि यहाँ पे माना जाता है। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशन है कि टू ट्रैवल होम आफ्टर लंच, ओके। लंच के बाद में यहाँ पे लोग अक्सर जो है वो घर की तरफ जो है वो ट्रैवल करते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। जैसे कि अपने यहाँ तो क्या होता है कि लोग सुबह जाते हैं और शाम में आते हैं, यहाँ पे क्या होता है सुबह जाते हैं लंच करके घर पे आके सोते हैं उसके बाद शाम में वापस जाते हैं। तो इस तरीके का ट्रेडिशन है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है। स्कूल के अंदर भी नैप टाइम मिलता है, बिजनेस के अंदर भी नैप टाइम मिलता है रिलैक्स करने के लिए। दिन के अंदर जो है ना वो छुट्टी है यहाँ पे कंपलसरी कर रखा है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे यहाँ पे कोई बिजनेस हो, तो दिन के अंदर थोड़ा सा सोने के लिए यहाँ पे सबको टाइम मिलता है। तो इस तरह का कल्चर है जो कि अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब समझ रहे हो, ओके। और दुनिया के अंदर पहली जो एनिमेटेड पिक्चर बनाई थी क्रिस्टिनी ने बनाई थी, वो भी इसी देश के द्वारा बनाई गई थी, ओके। चलिए तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी की, और फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी के अंदर आज बात करें तो ये तो मैं कल बता चुका हूँ आपको यार, स्नेहा वाला दो, तो आज मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया है। तो स्नेहा वाला तो कल ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो कल है, कल तो संडे, परसों कुछ नया फन फैक्ट है जो कि डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है, सिंधु फेस्टिवल के बारे में। सिंधु फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? आगे बात करते हैं अगला सवाल, प्रशांत कुमार सेकिया ने किस भारतीय राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, ये आंसर थोड़े से लगे हुए हैं मोहम्मद बीजी के बारे में, तो कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, दो तीन के आंसर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मजे हो गए आज तो आपके। उड़ीसा भाषा के आधार पर किस वर्ष एक अलग प्रशांत बन गया था? तो 1936 के अंदर ये अलग प्रशांत है जो कि बन गया था। आज आपके आंसर दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन वापस नहीं कराऊंगा, आपको लग रहा है वापस से आंसर करवा दूंगा, ठीक है, तो आपको करा दिया अभी आंसर। गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है? सत्यपाल मलिक। चलिए अब आपके जो है अगले पांच सवाल देख लेते हैं, उनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे, उसके आंसर आपको बताने पड़ेंगे। पहला सवाल है, अगला पांच छठा सवाल है, इस देश की सरकार ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूरी मोदी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? विश्व हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है, साथ में 10 बजे वाली क्लास में भी लाइव आना है दोस्तों। 10 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर का एक सेशन लेके आने वाला हूँ जो कि आपके CHSL एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 10 बजे भी लाइव आ जाइएगा अगर आप CHSL का एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, दूसरों को पढ़ाते रहेंगे। और वीडियो के लिए आज उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, वापस मिलेंगे मंडे को दो दिन के न्यूज़पेपर के साथ में। तो मंडे को अलार्म लगा लिया करो 8 बजे का, यार 8 बजे का नहीं, 7:50 का अलार्म लगा के बैठा करो ताकि 10 मिनट के अंदर जो है वो आप आराम से जो है अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जो भी है उसके अंदर आप एयरफोन वेयरफोन लगा के बढ़िया अपनी पढ़ाई कर सको आधा घंटा, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, लव यू।